बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर। ओके ओके, बड़ी खबर आ गई है। ये कोई सीरियस खबर लाए हैं? आप काफी देर से देख रहे हैं, ये लाइटर नोट पे नहीं है, ये सीरियस नोट पे है। एक सेकंड, कोई सीरियस खबर लाए हैं? बैठक में कोई खास चर्चा नहीं हुई है, ये इंडिया गठबंधन की बैठक है। इस बार बैठक में समोसा नहीं मिला है। इस बार बैठक में समोसा नहीं मिला है। कितनी बड़ी और सीरियस खबर थी ये? सिर्फ चाय बिस्किट ही दिया गया है। इस बार चाय बिस्किट से ही काम चलाना पड़ेगा? इस बार समोसा नहीं मिला है, इस बार चाय बिस्किट मिला है, ये बात की गई है। सिर्फ चाय बिस्किट ही दिया गया है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। तो करना। अब ये गठबंधन है, ये क्या है, अब इस पर मैं चाहता हूँ कि विचार रखे जाए। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग इस पर राय दें। राजेश गुप्ता का, राजेश गुप्ता, ये जो जेडीयू के सांसद कह रहे हैं चाय बिस्किट वाली बात, इस पर आपका रिएक्शन? भूख खा के ही मानोगे? 15 सेकंड राजेश जी। देखिए, अभी मुझे तो मुझे उस बात पे नहीं मालूम है उन्होंने क्या बोला है, और चाय बिस्किट समोसे ये इतने इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अगर वहां पर अगर कोई बिरयानी खिलाई जाती तो आप कहते देखो बिरयानी खिला दी। अरे ये कोई इश्यूज है? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बहुत बुरा किया कि इनको चाय बिस्किट ही दिए, समोसा नहीं दिया। जेडीयू के सांसद बोल रहे हैं, महंगाई पे बात किसी नेता ने बोला नहीं है। अरे सर, मैं आपको लगता है इसके ऊपर आपको कोई कमेंट मुझसे मांगना भी चाहिए, मुझे देना चाहिए? मैं क्या बताऊं कि समोसा क्यों नहीं दिया? अनुराग जी, मुझे लगता है ये समोसा नहीं मिला, चाय बिस्किट मिला। अमीर जी, मुझे लगता है कि आपका इतना बड़ा चैनल है अमीर जी, आपको भी ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि समोसा और चाय। अनुराग भदौरिया भी लाइक, थोड़ी तो मर्यादा रखिए अमीर जी। वैसे इनके एक और दिवंगत साथी ने एक और बात कही थी, अमीश देवगन, कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अरे न्यूज 18 वालों, प्लीज चाय बिस्किट के साथ थोड़ा समोसा भी दे दिया करो अमीश को। इतने हैरानी हुई जब मैं खबर पढ़ रहा था, देखो ना कितना भूखा है। इस बार बैठक में समोसा नहीं मिला है। और होगा भी क्यों ना भाई, दर्शक के सवाल को ऐसे ट्विस्ट करके कितनी मेहनत लगती है ना पेश करने में। उसने बिटिया ने बोला कुछ था, आपने उसके वक्तव्य को, मैंने अपना सवाल भी जोड़ा साथ में। नहीं नहीं, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। तो भैया चाय बिस्किट के साथ समोसा तो बनता ही है ना, कोई तरीका है भीख मांगने का? अब ये देखिए, अमीश के शो में सवाल पूछा इस बच्ची ने, सवाल ये है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, क्यों हम राम नाम के नाम पे पॉलिटिक्स ला रहे हैं? क्या जो इतने सारे इंडियंस हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? तो इस लड़की का सवाल आप सब लोगों ने सुना ना भाई, कितना सिंपल सादा सीधा सादा सा सवाल है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखना आगे। ये अच्छी बात है। ये बोलने के बाद अमीश ने देखिए कैसे सवाल का कूड़ा किया। राजकुमार भाटी को बात आने दीजिए मुझे। राजकुमार भाटी जी, सवाल ये है कि उन बच्ची का जो सवाल है, और सवाल बहुत डायरेक्ट है कि, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है कि हम राम नाम पर पॉलिटिक्स क्यों लाते हैं, क्या इतने सारे इंडियंस की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? राम मंदिर कोई बीजेपी क्या से जुड़ा हुआ एजेंडा नहीं है, राम मंदिर में तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। हालांकि आपके एक नेता हिंदुओं को आजकल बहुत कुछ कह रहे हैं। नेता हिंदुओं को कौन क्या कह रहा है, उस बच्ची के सवाल में तो ये सब कुछ था ही नहीं। सवाल ये है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, क्यों हम राम नाम के नाम पे पॉलिटिक्स ला रहे हैं, क्या जो इतने सारे इंडियंस हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? क्या आपको लगता है कि आपको हिंदुओं का वोट अब नहीं चाहिए? धन्य है प्रभु, हिंदुओं का वोट अब आपको नहीं चाहिए, ये उस बच्ची के सवाल में कहाँ था? उसने बिटिया ने बोला कुछ था, आपने उसके वक्तव्य को, मैंने अपना सवाल भी जोड़ा साथ में। नहीं नहीं, बहुत अच्छे, बहुत चालाकी। हाँ नहीं नहीं नहीं, यही तो घपला चल रहा है इस देश में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखो देखो कप में चाय मिली हुई है। इस बार समोसा नहीं मिला है, अब थोड़ा समोसा भी दे ही दो इसको, इतनी मेहनत की आदमी ने। इस बार चाय बिस्किट मिला है। तो अब देखिए उस बच्ची का सवाल कितना सिंपल था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और तो और उसमें कोई धर्म नहीं था। उस सवाल को अगर आप जेनरिक रूप से समझें, क्योंकि उसने तो क्लैरिफिकेशन मांगी नहीं, आगे उसको बढ़ने ही नहीं दिया, पहले काट के ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात है कह के अपना सवाल जबरदस्ती घुसेड़ दिया। ये भी तो हो सकता है कि वो ये कहना चाह रही थी कि हम राम नाम पर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, जो बाकी इतने सारे इस देश के इंडियंस हैं, इंडियंस बोला उसने, यानी और भी उसमें धर्म शामिल हो सकते थे, क्या उन लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही है जब आप राम नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हो? मे बी दिस गर्ल वॉज सेक्युलर एंड शी वॉज आस्किंग अ सेक्युलर क्वेश्चन, हू नोज। पर इसने कैसे उसमें हिंदू 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 डाल के कैसे ट्विस्ट किया, सही जवाब दिया राजकुमार भाटी ने। यही फोर्जरी चल रही है, कहना कुछ होता कह कुछ देते हैं।
हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए ना? बिल्कुल। पांच फायदे बता दो हिंदू राष्ट्र। अरे यार कहे नहीं फायदे बता पाएंगे, ये भी नहीं बता पाएंगे, बताओ क्या? बिल्कुल बताएंगे, पांच फायदे। पांच राज्य हिंदू राज्य बन जाएंगे तब, हिंदू राष्ट्र के पांच फायदे। अरे यार बिल्कुल फायदे होंगे, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, क्या होंगे? अरे क्या देखिए, मैं हिंदू बन जा, मेरा घंटा बजा देगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद अयोध्या में घंटा बजाएंगे, अयोध्या में पूजा करेंगे, क्या फायदा है? रोजगार नहीं होगा, तुम दिन भर मीडिया फायदे हमको नहीं पता है, आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अरे यार बनना चाहिए, नहीं बता पाएंगे, बनाती है बनाती है। व्हाट्सएप पे पढ़ के आते हैं, कुछ पढ़े होते तब ना हम लोग गाइड करने, तो यहाँ आप नागरिक, आप नागरिक आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसका पांच फायदे बताइए। फायदे क्या यार, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, मालूम है नहीं मालूम है नहीं मालूम है। चलिए तो अब आ जाते हैं परम ज्ञानी परम चौधरी जी पर, ये भी एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं। अब हम आपको आज की एक बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। हाँ तो वो बड़ी खबर जरूर ये है कि जिसकी सरकार होगी मैं बस उसी का गाऊंगा, और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी पार्टी के नेताओं को अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने की इजाजत दे दी है। अच्छा तो ये बड़ी खबर है इन महाशय के लिए, यानी आज बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के नेताओं को आज एक नई आजादी मिली है। सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? वैसे इनका एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें इनके उत्तम विचार कुछ यूं थे। अयोध्या में ज्यादातर लोगों को मंदिर या मस्जिद की जगह शिक्षा रोजगार सड़क और विकास चाहिए, वो तो मंदिर और मस्जिद दोनों के साथ ही जीना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मंदिर मस्जिद की जगह इन जनाब को स्कूल अस्पताल जैसी चीजें चाहिए थी, और आज मोदी सरकार है तो मंदिर बनता देख चेहरे पर खुशी और कांग्रेस पर अटैक देखिए। अब देखिए कितनी सिंपल सी बात कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी जिसका ये हवाला दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस के किसी भी नेता को राम मंदिर जाने की मनाही नहीं है और सभी नेता अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आजाद हैं और उन्हें आज ये आजादी दे दी गई है। कि भैया आप जाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग तो वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस में नेताओं को राम मंदिर जाने के लिए पार्टी आलाकमान से परमिशन लेनी पड़ रही है। और इसने कितनी चालाकी से अपनी तरफ से एक वाक्य जोड़ इस पूरी बात को एक गलत नैरेटिव दिया, ये कहकर कि देखिए आज इन सब लोगों को आजादी मिल गई है। बात सारी ये है जो ये आपको नहीं बताएगा कि ये बीजेपी के प्राइवेट इवेंट में जाने को लेकर बात है। लेकिन मुद्दा 22 जनवरी को जाने को लेकर है कि बीजेपी के प्राइवेट इवेंट में क्या लोगों को जाना है। राम मंदिर तो कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं, राम मंदिर जाने को लेकर कोई मनाही नहीं है। लेकिन देखिए कैसे इस आदमी ने ट्विस्ट करके आपको ये जताने की कोशिश की कि देखिए राम मंदिर जाने के लिए भी उनको आजादी देनी पड़ रही है। दरअसल विपक्ष को जानबूझकर अपने एक प्राइवेट इवेंट का न्योता बीजेपी दिलवा रही है। मंदिर बना रहे हो उसकी प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य तक कह रहे हैं कि विधि के अनुसार और सनातन धर्म के अनुरूप नहीं हो रही। मोदी खुद प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं क्योंकि ये उनका प्राइवेट इवेंट है। शंकराचार्य ने भी स्टैंड लिया कि वो नहीं जाएंगे, तो उन्हें भी सनातन विरोधी बताने से नहीं चूक रहे दो रुपल्ली के भाजपा ट्रोल। तो जरा सोचिए इनका धर्म इनकी धर्म की समझ और इनके खुद के विधि विधान सब सही है, बाकी सब लोग जो कह रहे हैं गलत, जो इन्हें करना है बस वो ही सही है, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो पैमाना है इनका हिंदू धर्म का और हिंदू होने का। तभी तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों ही अलग हैं। ये आपको कंफ्यूज करते हैं और आप मासूमियत में सोचने लगते हैं हाँ आप हिंदू धर्म का साथ दे रहे हैं। वास्तविकता में ऐसे ही समय पर सही तुलना करने को मिल पाती है क्योंकि शीशे की तरह साफ हो जाता है कि भाजपा हिंदुत्व में विश्वास रखती है हिंदू धर्म में नहीं, और उसके अपने हिंदुत्व के आड़े जो आएगा उसे वो सनातन विरोधी बोलने से नहीं कतराएंगे। शंकराचार्य को आज सच बोलने पर जो झेलना पड़ रहा है उसी से ये बात बड़ी आसानी से साबित भी होती है। अरे सुधीर चौधरी, वैसे तुम्हारे शब्द में कांग्रेस ने तो अपने लोगों को आजादी दे दी, तुम कब आजाद होगे अपनी इस चाटुकारिता से? भाई तब भी चाटुकारिता कर रहे थे और आज भी, जिसकी सत्ता मैं उसी के आगे झुकता हूं वाला हिसाब किताब है तुम्हारा। और ये इजाजत लेने की नौबत आई कैसे? और ये नौबत आई कैसे कि सुधीर तुम क्या से क्या हो गए? बिहार कांग्रेस के कुछ बड़े नेता 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की रणनीति
स्पष्ट नहीं थी। तो जो इन्हें इंटरव्यू देने के लिए इनका फोन तक ना उठा रहे, वो इनका फोन अपनी रणनीति बताने के लिए उठाकर बता रहे होंगे। हाउ फनी। इस बार समोसा नहीं मिला है, इस बार चाय बिस्किट मिला है। पूरा दिन बीजेपी के प्राइवेट इवेंट का पीआर कर रहे हैं न्यूज चैनल, मोदी के पर्सनल प्रवक्ता बने घूम रहे हैं सबके सब गोदी एंकर, जैसे देश में कोई और खबर इस वक्त नहीं है, देश में भारतवासियों को कोई और काम ही नहीं है, देश में और कोई आदमी नहीं है, और देश में दूसरा कोई धर्म नहीं है, देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। विद्वान व्यक्ति है, मैं इनका सम्मान करता हूं। विद्वान तो आप भी है। उस बात पे भी ये जनता को गुमराह कर देते हैं। इन्हें पता कि कबीर जब कह रहे हैं कि राम राजा राम भरतार, तो उनका अर्थ कुछ दूसरा ही है। कबीर ने तो इससे भी भयंकर कहा है। कबीर ने कहा, कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेबड़ी, जिस खे जित खेचे तित जाऊं। मैं तो राम का कुत्ता हूं, कबीर ने तो यह भी लिखा है। सुनिए, लेकिन उनके नाम, उनके राम, उनके राम निर्गुण है, इसे आप नकार नहीं सकते। अरे भैया, राजा पूरा हिंदी साहित्य। अच्छा एक सेकंड, कबीर पे कई सौ पीएचडी इस देश में हुई हैं। ए भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य के कौन से राम है? कबीर ने यह भी कहा, लिखा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दही बना है, और ताचड़ी मुल्ला बाग दे का भैरा भयो खुदा है। बोलो, पक्का लिखा है कबीर ने? भाई साहब, कबीर ने यह भी लिखा है, आज सर तन से जुदा हो जाता। दूसरे की भी सुने करो। कबीर ने यह भी लिखा है कि पत्थर पूजे हरि ने, तो मैं पूजू पहाड़, आता तो चाकी भली पीस है। सुनो, मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिखाओ। कबीर ने ये कहा है, सुनो, मंदिर में कबीर के भजन गाए जाते हैं, मस्जिद में भाग दिखाओ। कबीर ने कहा, आपने सही कहा, आप जो ज्ञानी है जानते हैं, उसके बाद मानने को तैयार। कबीर की जो असली बात, कबीर ने कहा, अरे इन दोन रहा ना पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। वो मुस्लिम को भी लताड़ते हैं, मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ थे। देश बस राम भरोसे चलने वाला है, उसका जीता जागता उदाहरण न्यूज चैनलों के कवरेज में साफ दिखाई दे रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।